आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो सकता है और पॉजिटिव नोट की तरफ एक्सपायरी में देखने को मिल सकती है। जब वो एक्सपायरी देखा है तो पॉजिटिव नोट पे एक्सपायरी हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखो, एक बड़ा फॉल आया था और ये दो इसने हॉल्ट कैंडल बनाया, आप देख सकते हो। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये लो टूटता है तो एक शार्प फॉल वापस हमें देखने को मिल सकता है, और अगर ये हाई क्रॉस करता है तो एक रिट्रेसमेंट मूव हमें देखने को मिल सकता है 23,000 तक। सो दोनों पॉसिबिलिटी है, अभी आपको फिलहाल वेट एंड वॉच करना है। अगर ये लो टूटता है तो डेफिनेटली एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। व्यू लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। निफ्टी में अगर आप देखो, निफ्टी में भी एक बड़ा फॉल आया था, शार्प फॉल आया, निफ्टी ने एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट किया है। लेट्स सी यहां से फॉल आता है या ये रिट्रेसमेंट कंटिन्यू करता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। सो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही। व्यू आपको लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे जाकर प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्टली ट्रेड करना पड़ेगा। अभी फिलहाल दोनों इंडेक्स में वेट एंड वॉच व्यू है, लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पिडिलाइट सेल दिया था 1462 के नीचे, इसने 1474 का लो बनाया है, तो इसमें सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है। मैंने आपको एलएनटी बाय दिया था 923 के ऊपर, लेकिन इसने हाई बनाया 921 का, तो एलएनटी भी जो बाय लेवल दिया था वो लेवल ट्रिगर नहीं हुआ, तो एलएनटी में भी हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया है। एचडीएफसी लाइफ मैंने आपको बाय दिया था 606 के ऊपर, लेकिन अगर आप देखो ये डायरेक्टली ओपन ही हुआ था 610 पे, जो कि हमारा टारगेट प्राइस था। एज पर रूल आपको याद होगा, जब भी प्राइस गैप अप ओपनिंग होता है या टारगेट प्राइस के आसपास ओपन होता है तो हम वो स्टॉक में ट्रेड नहीं लेते। सो एचडीएफसी लाइफ भी हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया। इंडिगो मैंने आपको सेल दिया था 1250 के नीचे, इंडिगो में ट्रेड ट्रिगर हुआ है, और इंडिगो आप देख सकते हो 1250 के बाद 1238 तक लो बनाया इसने, और उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। इंडिगो एक ट्रेड ट्रिगर हुआ जिसमें आपको इंट्राडे में पैसा आया होगा अगर आपने फास्ट प्रॉफिट बुक किया है तो। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सो सबसे पहला स्टॉक होगा डाबर। डाबर अगर आप देख सकते हो क्लियर एंड क्लियर ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया है, आप देख सकते हो, और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कैंडल हमें देखने को मिला है। डाबर अब ये लेवल जल्दी रिटेस्ट कर सकता है, सो 520-525 तक के टारगेट हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। सो एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन डाबर का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है बाइंग की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक होगा MFSL। MFSL का स्ट्रक्चर भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो इसने एक राउंडिंग फॉर्मेशन पैटर्न बनाया है यहाँ पर, और 600 राउंड ऑफ नंबर के आसपास ही है। अगर 600 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सो कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। MFSL का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए। लास्ट स्टॉक होगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का स्ट्रक्चर मुझे काफी वीक लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो ये बड़ा कैंडल था, बहुत बड़ा फॉल आया था, और यहाँ से फॉल आया, ये फर्स्ट टाइम इसने रिट्रेस किया है, और फर्स्ट टाइम जब भी स्टॉक रिट्रेस करता है फॉल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वापस इसने एक रेड कैंडल बनाया है, और मुझे लगता है यहाँ से फॉलो थ्रू सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। सो एग्जैक्टली कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन इंडसइंड बैंक का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा लग रहा है शॉर्ट के लिए। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।